डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे बाल आना खत्म हो गया, लाइक बंद हो गया है, यानी आप लोग एक साल तक बिना बालों के जिंदगी गुजार सकते हैं। स्किन साथ कट के तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी क्योंकि कोई भी सेफ्टी नहीं लगी हुई ऊपर या नीचे, सिर्फ ये एक कॉम बनाया हुआ है, दिस इज नॉट सेफ्टी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अलीना उमर, वेलकम बैक। आज की वीडियो है लेडीज शेवर के ऊपर। लेडीज शेवर कौन सा है पहले मैं आप लोगों को वो दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये है लेडीज शेवर जिसे मैं फुल रिव्यू दूंगी, इसकी प्राइस, इसकी अकल, इसकी शक्ल, इसका नुकसान, फायदे, एवरीथिंग आज की वीडियो में खुलासा कर देंगे। और बहुत सी लड़कियां और लड़के मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप एक परमानेंट हेयर रिमूवल का कोई सोल्यूशन बताएं। सो देयर इज नो परमानेंट हेयर रिमूवल सोल्यूशन। जो आप लोगों को लेजर के बारे में बताया जाता है, लेजर के सेशंस होते हैं और हर सेशन का 10,000, 12,000, 20,000 डिपेंड करता है एरियाज के ऊपर, क्योंकि कुछ एडवांस्ड सिटीज होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पर थोड़ी ज्यादा प्राइस ली जाती है। सेशंस आपको दिए जाते हैं इतने इतने दिन बाद आपको बुला के वक्फे वक्फे से, वहां से हेयर्स को जला के शेव करके लेजर से रिमूव करके, तो आप लोगों को टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि 6 महीने तक आपके बाल नहीं आएंगे, 1 ईयर तक बाल नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि लाइफ टाइम आपके बाल नहीं आएंगे। ठीक है, आप जितने मर्जी सेशंस ले लें, आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम के लिए हेयर रिमूवल मिलता है। और डिपेंड करता है आप लोगों की हेयर ग्रोथ पे, अगर तो आपको हार्मोनल इश्यू है तो आपकी जो 6 मंथ की वैलिडिटी है वो भी जो है बहुत जल्दी, यानी कि आप लोगों के बाल आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हार्मोनल इश्यू नहीं है तो 6 महीने से 1 साल तक आप लोग जो है इजीली वो जो आपकी लेजर है वो चल सकती है। ठीक है, यानी आप लोग 1 साल तक बिना बालों के जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। किसी की बातों में मत आया करें कि फटकड़ी का पानी लगाएं तो सारी जिंदगी के लिए बाल खत्म हो जाएंगे, मुसलसल ये करते रहे वो करते रहे तो बाल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जो आजकल एपिलेटर्स आए हुए हैं, जैसे मैं यूज करती हूँ बरून सिल्क अपील, मैं इसकी एक फुल डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो देख लें। उससे ये होता है कि उससे बाल जड़ से रिमूव होते हैं, जैसे जैसे आप लोग उसको यूज करते रहते हैं बाल जड़ से रिमूव होते रहते हैं, और फिर ऐसा होता है कि कहीं कहीं से आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ होना खत्म हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हाथों पे यूज करती हूँ, यानी जो बाजू एरिया वगैरह है ना, तो यहां पे मेरे बाल आना खत्म हो गया, लाइक बंद हो गया है, कुछ एरियाज पे नहीं आते, आते हैं पैचेस की सूरत में कहीं कहीं पे आते हैं, लेकिन कुछ एरिया से बिल्कुल भी नहीं आते। और बहुत ही इजी होता है मेरे लिए कि जल्दी से बस मशीन लगाई और रिमूव कर लिया, जड़ से रिमूव हो जाते। ठीक है, ये एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लगातार अगर करेंगे सिल्क अपील का यूज, बरोन सिल्क अपील का यूज, तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, बट ये नहीं है कि लाइफ टाइम आप लोग बिना बालों के गुजारेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये है हमारा आज का नमूना, इसके बारे में बात करेंगे। ये लेडीज शेवर है, इसका नाम है सेफिट। इस तरह से कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, आगे प्लास्टिक लगी हुई है, अंदर 6 सेफ्टियां हैं इसके, जिस तरह से औरतों मर्दों की सेफ्टी होती है ना, बिल्कुल उस तरह से है। और ये देखें, इस तरह से आपने इसको हाथ में पकड़ के तो यूज करना है। और ये किस तरह की है मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। यहां से कार्ड थोड़ा सा फाड़ा जानवरों की तरह, क्योंकि सबर नाम की तो चीज है ही नहीं ना हम पाकिस्तानियों में, स्पेशली मुझ जैसी आत्मा में। अच्छा, ये इस तरह है, ये इसके यहाँ पे कैप लगा है, जिस तरह से आदमियों की सेफ्टी के ऊपर लगा होता है ना कैप, उस तरह से लगा है। इसको आपने यहां से बहुत ही तरीके से ऐसे रिमूव करना है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ, इसके अंदर जो ब्लेड लगा हुआ है वो इतना तेज है कि लाइक अगर जरा सा भी आप लोगों ने गलती की तो आपका हाथ कट सकता है। इस ब्लेड के इर्द गिर्द कोई सेफ्टी नहीं लगाई हुई, जिस तरह मर्दों की सेफ्टी में होता है ना कि लाइक लाइंस बनी होती, कोई मतलब एजेस होते हैं और वो होता है कुछ यू नो स्टेप्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि जैसे मर्जी यूज करो कट नहीं लगता। ठीक है, तो बिना कट वाला शेव वो हिसाब। तो ये क्या है, इसका आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने नीचे से बिल्कुल भी, ये जो अंदर वाला एरिया है ना, यहां से आपने ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं खोलना, क्योंकि यहीं पे ब्लेड का जो है वो रुख बना हुआ है। और ये देखें, ये ब्लेड है नीचे, तो अगर आपने बेएहतियाती में, बेध्यानी में इसको ऐसे करके उतारा तो आपकी अल्लाह ना करे फिंगर कट भी सकती है। ठीक है, तो जब भी आपने उतारना है इसकी बैक साइड पे, ये देखें इस तरह से बना है, इसको इधर से ऐसे कर लेना आपने। ठीक है, ये रिमूव हो गई। अब इसके अंदर ये है ब्लेड बना हुआ है और ये है ब्लेड जो कि बाहर आ रहा है,
और मैं दूसरी बात आपको एक बताऊं कि ये जो ब्लेड है ना, जैसे वो नहीं है 100 रुपीज वाले, क्या उसको बोलते हैं, ये जो मैंने दूसरी वीडियो में यूज किया है, टिंकल रेजर वाला ब्लेड लगा हुआ, इसमें बहुत ही बारीक सा। अब इसका करने का तरीका क्या है, ये ब्लेड है और इसको करना किस तरह से, आपने इस तरह से हाथ में पकड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा आपने स्किन को टाइट करना है और बहुत ही एहतियात से तरीके से आपने नीचे लेके आना है। बाल रिमूव होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड फॉर श्योर आपके बालों को रिमूव करेगा, लेकिन जड़ से रिमूव नहीं करेगा, कट करेगा, ठीक है। जो है बाल जड़ से रिमूव नहीं होते, ब्लेड है, जिस तरह से काटते हैं बाल उसी तरह से, मतलब ये कट जाता है, स्किन के साथ जो एरिया होता है बालों का, रूट्स होती है उसको काट देता है, अंदर की रूट्स को बाहर नहीं निकालता। सो क्या करते हैं कि इसको बहुत ही तरीके से आपने इस तरह से लेके जाना है। आपने ये करते हुए बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना, मैं इतनी ट्रेंड होके भी यकीन करें जख्मी हो गई थी। मैं यहाँ पे क्लिप चला देती हूँ, वहां पे आप लोग देख लेना कि लाइक मेरी यहां से फिंगर कट गई थी, यहां से फिंगर कट गई थी और यहां पे मेरे कट लगा था, ठीक है। मतलब सिर्फ ट्राई करने के चक्कर में, बहुत ही मैं आप लोगों को बारीक बातें बता रही हूँ, इसको आपने नोट कर लेना है। अगर तो आप लोगों की फिंगर्स पे यहां पे हेयर है तो काइंडली इसको रिमूव करने के लिए आपने ये जो आपकी हड्डी है इधर तक बिल्कुल भी नहीं लेके आना। मेरी गलती ये थी कि आई वॉज ट्राइंग कि क्या ये फिंगर्स पे से भी काट देता है बाल, तो मेरी यहां से जो हड्डी है ना, यहां से थोड़ा सा ब्लेड अड़ा है, टच हुआ है, टकराया है, उसको रास्ता नहीं मिला सीधा, तो उसके लिए एक थोड़ी सी चट्टान आई और यहां से मेरी स्किन साथ कट के तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी, क्योंकि इसके कोई भी सेफ्टी नहीं लगी हुई ऊपर या नीचे, सिर्फ ये एक कॉम्ब बनाया हुआ है, दिस इज नॉट सेफ्टी, ठीक है। सो मैं जो टीनएजर्स हैं उनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चियां होती हैं, उनको समझ नहीं आती, यूज करने की तरीका नहीं आता, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके ऊपर तो फॉर श्योर आप लोग इसको बिल्कुल भी मत यूज करना, ना ही अंडर आर्म्स में, ना ही अंडर लेग्स आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है। मैं यकीन करें मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे इसने हर्ट किया था, और अगर मुझे हर्ट किया था तो मैं नहीं चाह रही कि कोई और भी बच्ची हर्ट हो इससे। सो फॉर श्योर आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस। प्राइस इसकी थी आई थिंक 150 रुपए की, मुझे ये मिली थी 600 की या 150 की, इतने की ही थी, 6 होती हैं इसके अंदर इस तरह की, और मुझे उसने बताया था, हाँ 6 पीसेज होते हैं ना, देखिए इसमें 6 पीसेज होते हैं, जिसे मैं लेती हूँ कॉस्मेटिक्स का सामान। उस लड़की ने मुझे बताया था कि आप ये जो है ना आपकी ऑलमोस्ट 6 मंथ इजीली चल सकती है अगर आप अकेली यूज करती हैं तो। तो मैं आपको यही कहूंगी कि सस्ते के चक्कर में ना जाएं, आप जान ज्यादा जरूरी होती है, दिस इज नॉट इजी टास्क कि आप लोग इसे अपने हेयर रिमूव करें। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मेरा ब्लड निकला है, तो नो, अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, अ बिग नो, आप लोग इसको बिल्कुल भी मत यूज करें। सो नो, सो दिस इज मेड इन चाइना, और इसकी जो पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। उन्होंने लिखा है रिमूव प्रोटेक्टिव कैप, जो कि मैंने आपको बताया था, टू अवॉइड शेविंग ओवर अन इवन स्किन, पुल द स्किन टाइट। वही बात कि आपने स्किन को टाइट करके पकड़ना है, और अन इवन स्किन का मतलब इनका यह है कि जहां पे बम्प्स हैं आपके, वहां पे आप लोगों ने इसको यूज नहीं करना, क्योंकि देखिए अब मैं जो थी ना इतनी पागल थी ना, मैंने इस तरह करके ना इस तरह किया और ऐसे कर लिया, मेरी खाल साथ आ गई, यू नो, मेरी स्किन साथ आ गई। पुल रेजर विद मिनिमम प्रेशर, यानी हल्के से प्रेशर के साथ आपने स्किन के ऊपर इसको लेके जाना है ग्लाइडली, और रिमूव हेयर फ्रॉम रेजर कॉम ड्यूरिंग शेविंग टू एंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, रिप्लेस प्रोटेक्टिव कैप आफ्टर यूज टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग डिस्पोजल। यानी कि आपने जब इसको डिस्पोज करना है तो आपने इसके ऊपर कैप अगेन लगानी है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि जब कूड़ा हम लोग बाहर फेंकते हैं, जानवर वगैरह मुंह मारते हैं, तो अगर आप लोगों ने ये कैप खोली हुई तो उनमें से किसी को हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग सिर्फ अपनी ही केयर मत किया करें, जानवरों की भी केयर किया करें, और मेरी तरफ से अब बिग नो है, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रही। काइंडली वो बच्चियां जो कि किसी के कहने पे बात
किसी से बात सुन के तो कुछ भी ट्राई कर लेती हैं, वो अपने आप को बचा के रखें। इस तरह से किसी के भी कहने पे कोई भी चीज़ ट्राई मत किया करें। मैं बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई मुझे क्लेम कर देगा ये है वो है, आई रियली डोंट नो, बट जो सच है वो सच है, अब इग्नो फॉर इट। और रही बात मेरी, मुझे बहुत सी लड़कियों ने कहा था आप ही फलाना शेवर आया हमें बताएं, हमने प्राइवेट पार्ट्स के लिए यूज़ करना है। मैं इसको बाजुओं के लिए रिकमेंड नहीं कर रही, तो आप लोग प्राइवेट पार्ट्स पे कैसे इसको यूज़ कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं? सो बिल्कुल भी मत खरीदें, बिल्कुल भी मत यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं तो आप लोग अपनी टांगों के लिए और बाजुओं के लिए ले सकते हैं, नॉट फॉर द प्राइवेट पार्ट्स। सो दिस इज़ माई वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें। और इंस्टाग्राम पे जब आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन करने के लिए आते हैं तो काइंडली मुझे पहले फॉलो कर लिया करें, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा करें। ये कहीं का भी मैनर्स नहीं है कि आप डायरेक्ट एक बंदे से अपनी मसाइल लेके आ रहे हैं एक बंदे के पास और आप ना उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर ना। सो जब आप लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं मुझे फॉलो जरूर किया करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चाचा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।